ये भाई दुर्गादास जी की सारी बातें थी, क्या महान आदमी रहा होगा, क्या महान कैरेक्टर रहा होगा। किसी एक राम जी नाम के एक जाट किसान हुए, उनका बहुत अच्छा एक दोहा है कि धमक धमक ढोल बजे अच्छी धमक नगारा की, आस घर दुर्गो नहीं हो तो सुन्नत होती सारा की। कि यदि आसकरण के घर पे दुर्गादास नहीं पैदा होता तो औरंगजेब उस समय सब लोगों को मुसलमान बना के छोड़ देता। उस एक बंदे ने न केवल धर्म की, राज्य की, स्वामी की, अजीत सिंह की, राजस्थान की जो रक्षा की थी। इसलिए हम मारवाड़ में राजाओं को जाने नहीं जाने, पर जन जन की जुबान पर यदि कोई बंदा रहता है तो वो बंदे दुर्गादास राठौड़ थे, जो सबके द्वारा याद किए जाते हैं। नेत कंवर तीसरी रानी थे, लेकिन इस पत्नी से अपनी कम बनती थी, इसलिए उन्होंने जब भी बेटा हुआ, जैसे ही नेत कंवर के बेटा हुआ था दुर्गादास, दुर्गादास के होने के बाद में, और उन्होंने माँ बेटे दोनों को अलग कर दिया था और इनको एक गांव दे दिया था। जागीर का एक गांव मिल गया था, गांव का नाम था लुणेवा, जोधपुर में गांव पड़ता है, और वहां पर माँ बेटे रहा। तो दुर्गादास का जो बचपन था वो अपनी माता के पास ही बीता था, पिता का साया नहीं मिल पाया था, पिता अपनी दो रानियों के साथ अलग रहते थे। रहते वो तो कोई बात नहीं, बताते और नहीं थे कभी किसी को कि भाई दुर्गादास मेरा बेटा है, मेरी एक ऐसी कोई रानी भी और। कहते हैं एक बार दुर्गादास लुणेवा गांव में अपने खेत के अंदर रखवाली कर रहे थे और पास से जसवंत सिंह के ऊंट निकल रहे थे। जसवंत सिंह जोधपुर के राजा, ऊंट निकल रहे थे और ऊंट को जो चराने वाले थे वो थोड़े पीछे रह गए थे। ऊंट खेत में घुस गए, नुकसान करने लगे, तो दुर्गादास ने लठ लिया, लठ लेके उनको निकालना शुरू किया। निकालना शुरू किया तो पीछे से वो ऊंट चराने वाले आ गए और उन्होंने कहा, अरे मूर्ख ऐसे क्या कर रहे हैं, तू जानता नहीं किसके ऊंट है। दुर्गादास ने कहा, भले लोगों किसी के हो, तुम चराने वाले तुम पीछे रह गए, मेरे खेत में घुस गए यारी और मेरे खेत का नुकसान कर दिया इन लोगों। उनका लगा अब जबान और चलाता है, ये जोधपुर मारदा जसवंत सिंह जी के ऊंट है। दुर्गादास ने वापस कहा, खेत जसवंत सिंह जी के बाप का नहीं, खेत मेरा है, और मेरे खेत में घुसेंगे तो मैं तो इनको यूं ही निकल। उन लोगों को बड़ा गुस्सा है। भारत में ये एक बड़ी प्रॉब्लम है कि यदि किसी छोटे मोटे आदमी का हाथ ऊपर हो तो आदमी दूसरे को जीने नहीं देता। और उन्होंने कहा, तू जानता नहीं हम किसके आदमी, हम जोधपुर महाराजा के आदमी, जसवंत सिंह जी के आदमी। दुर्गादास ने कहा, तुम अब किसी के होगे, मुझे इसे कोई मतलब नहीं, मैंने निकाल दिया। इस बात में थोड़ी तू तू में अभी थोड़ी झड़प हुई और कहते दुर्गादास ने तलवार निकाली, एक आदमी को मार दी। दूसरे वाले ने जैसे ही मरते हुए पहले को देखा तो दूसरे वाला तो भाग गया। वहां जसवंत सिंह जी के पास आया और उसने जसवंत सिंह जी को कहा कि जसवंत सिंह जी ऐसे ऐसे हम तो रास्ते रास्ते जा रहे थे, एक लड़का खड़ा खड़ा आपको गालियां निकाल रहा था, हमने जाकर गालियां क्यों निकाल रहा था, एक आदमी को तो मार ओढ़ दिया, मैं जैसे तैसे आया। जसवंत सिंह को बड़ा गुस्सा, मेरे राज्य में मुझे गालियां निकालने वाला कौन, पकड़ के लाओ कौन। दुर्गादास को पकड़ के लाए। दुर्गादास के जो पिताजी थे आसकरण जी, वो जसवंत सिंह के दरबार में ही थे, पास वाली सीट पे बैठते थे। उन्होंने देखते पहचान और लिया कि मेरे वाला है, लेकिन फिर भी बोले नहीं, चुपचाप ही बैठे रहे। उधर जसवंत सिंह ने पूछा, क्या नाम है तेरा। दुर्गादास राठौड़। पापा क्या नाम। आपके जो पास बैठे हैं यही है। जसवंत सिंह ने उधर आसकरण की तरफ देखा तो आसकरण जी ने कहा, साहब बेलखनी औलाद पैदा हो जाती है, ऐसी बेलखनी इसकी माँ है और ऐसा ये है, इसलिए मैं तो इनको साथ में रखता ही नहीं, आपको जो जी में वैसी सजा दो। आप यदि कभी गांव के सरकारी स्कूलों में पढ़े हो, अब वाले बच्चे नहीं समझते, पुरानी पीढ़ी वालों से पूछना, घर वाले स्कूल वालों कह के आते कि जो मर्जी आए वो सजा दे देना, और मास्टर जी उस दिन डंडे से पीट पीट के बैठने और सोने लायक नहीं छोड़ते। वैसे आसकरण जी ने कहा, जो जी में है वो सजा दो। जसवंत सिंह ने पूछा, पहले भाई पूछा जाए क्या गलती है क्या नहीं, बता क्या बात है। और उस लड़के ने सारी बात बताई। दुर्गादास ने ये मेरे साथ ये किया था, ये चीजें भी थी। जसवंत सिंह लगा, अरे गलती नहीं इस बच्चे की। और उन्होंने बातों पूछा कि कल कैसे मारा था उस आदमी। और दूसरे वाला पास ही खड़ा था, दुर्गादास की नजर उस पर थी पहले दिन से, वो गालियां निकाल के भागा हुआ था। कहते दुर्गादास ने तलवार निकाली और वहीं दूसरे आदमी को वहीं पे मार दिया। और जसवंत सिंह क्या राजीव, जसवंत सिंह अब तक की बातचीत में ये भी समझ गए थे गलती मेरे आदमी की, गलती इस लड़के की नहीं। और जसवंत सिंह राजी इस बात से, यार मेरी नजरों के सामने मेरे दरबार के अंदर लड़का कितना निर्भीक है, कितना नीडर है कि मेरे आदमी को मार देता है। और उसने कहा कि मिस्टर दुर्गादास, आज से तुम मेरे पास वाली सीट पे बैठोगे। दुर्गादास के पापा कहा कि आसकरण जी आज के बाद आप सामने जाके बैठोगे। और कहा आज के बाद दुर्गादास मेरा एकदम प्रमुख मंत्री। और तब उन्होंने वो कहा, जसवंत कहो जो एक घर रखवाड़ो दुर्गड़ो, साची की दिस हो अच्छी आसकरण वत। जसवंत कहो जोए, ढूंढ कर जसवंत सिंह ने कहा घर रखवाड़ो दुर्गड़ो, इस दुर्ग की रक्षा कोई करेगा तो वो दुर्गादास करेगा। अच्छी की दिस हो अच्छी आसकरण, साची की दिस हो अच्छी आसकरण।
और आसकरण के बेटे ने उस बात को सत्य साबित कर दिया था। अभी मैंने बताया कि 30 साल तक वो लड़ा था, केवल किस लिए कि मेरा राजा मुझे कह के गया है कि मेरे बेटे की रक्षा करनी है, मेरा राजा मुझे कह के गया है कि राज्य की रक्षा करनी है। स्वामी भक्ति का इतना बेहतरीन उदाहरण ना भूतों ना भविष्य थी। जब भी आप स्वामी भक्ति के लिए उदाहरण ढूंढोगे तो केवल दो, या तो पन्ना धाय या दूसरा दुर्गादास राठौड़ मिलेगा। तीसरा उदाहरण बाद में चेतक है, जो मिनक नहीं है, पशु है। मनुष्यों में वो स्थान जो दुर्गादास और पन्ना धाय ने ग्रहण किया है, वो शायद ही कहीं पर इस प्रकार के कोई दूसरी चीजें मिलती होगी हमको। वो दुर्गादास जी थे। फिर आगे तो फाइनली कहते हैं 1708 में अजीत सिंह जी यहाँ पे राजा बन गए। अजीत सिंह जी के राजा बनने के बाद और दुर्गादास जी के साथ बननी बंद। अब क्या था कि अजीत सिंह जब बच्चा था तब से संभालता कौन था जोधपुर को? दुर्गादास। संधि करनी है तो कौन करेगा? दुर्गादास। कहीं लड़ाई करने जाना तो कौन जाएगा? दुर्गादास। अब अजीत सिंह जी राजा बन गए 1708 के देवारी पैक्ट के बाद। राजा वाली गद्दी पे बैठते हैं, दुर्गादास जी पास में बैठते हैं। लेकिन फिर भी कोई बंदा आता तो पहले बातचीत किससे करता? दुर्गादास। लोगों को आदत पड़ी हुई थी, पहले नमस्ते दुर्गादास को, फिर नमस्ते अजीत सिंह। अजीत सिंह जी तंग हो और कहते हैं अजीत सिंह जी ने एक दिन दुर्गादास जी का, तो दुर्गादास जी अब आप मत आए दरबार, आप बूढ़े हो गए, अब घर पे रहा करो, आराम किया करो। मैं जब भी आपको देखता हूं तो मुझे मेरे संघर्ष के दिन याद आ जाते हैं। दुर्गादास जी इन बातों को समझ नहीं पाए और दुर्गादास जी दिल्ली दरबार में आ जाया करते थे। पर कहते हैं एक दिन अजीत सिंह जी ने उनके घर पर एक बंदा भेजा। दुर्गादास जी सो रहे थे, उठे, बंदा आगे तैयार था। बताओ भाई, का अजीत सिंह जी ने आपके लिए मतीरा भेजा है, मतीरो भेजा है। दुर्गादास जी इसका मतलब समझ रहे थे, वो सिंबल था एक, मतीरो मत रहो, यहां मत रहो, अब मुझे मत दिखो यहां से। दुर्गादास जी कुछ भी नहीं बोले, चुपचाप। जब भी किसी व्यक्ति को देश निकाला दिया जाता था, डिपोर्ट किया जाता था, काले कपड़े पहने, काला घोड़ा लिया और मारवाड़ की सीमा से निकलकर मेवाड़ चले गए थे। मेवाड़ में अमर सिंह सेकंड राजा हुआ करते थे, उधर अमर सिंह सेकंड के पास मन चले गए। उन्होंने उनको बाद में एक तो विजयपुर की जागीर दे दी थी और एक रामपुरा की जागीर दे दी थी, ये दो जगह दे दी थी। बाद में दुर्गादास जी वहीं रहे थे। किसी आदमी का आप स्वामी भक्ति का चरम देखिए कि जब उस व्यक्ति को कहा गया कि जिस राजा को तूने बनाया है, जिस राज्य को तूने बचाया, उस राज्य को छोड़ के जाना है, वो राजा ये ऑर्डर दे रहा है जिसको 30 साल तक पाला था, पाल पोस कर बड़ा किया था, अब आप यहां पर नहीं रह सकते। और वो आदमी एक बार भी ये नहीं कहता कि क्यों। ऐसा कैसा एक और करेक्टर हमारी हिस्ट्री में है, अकबर को राजा बनाने वाला बैराम खान। बैराम खान ने अकबर को राजा बनाया था, मुगल बादशाह बनाया था, और बाद में ऐसा कैसे अकबर को बैराम खान चुभने लगता है और अकबर बैराम खान कहता है अब हज के लिए जाइए, यहां नहीं रह सकते। लेकिन जब बैराम खान को यह कहा गया तो बैराम खान विद्रोह करता है, लड़ाई करता है, अपने अधिकार छीनने के प्रयास करता है। दुर्गादास जी यहां पर इसलिए और ऊंचे हो जाते हैं कि उन्होंने उस समय भी चूं तक नहीं किया, राजा का ऑर्डर है। स्वामी उस समय जसवंत सिंह जी थे, अब स्वामी अजीत सिंह, यदि ऑर्डर यहां नहीं रहने का तो मैं यहां से चला जाऊं। और यहां से मेवाड़ चले गए थे, फिर मेवाड़ से फाइनली कहते हैं उज्जैन चले गए थे और उज्जैन में वहीं पर मृत्यु हुई थी। उज्जैन सिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है, उस सिप्रा नदी के किनारे दुर्गादास राठौड़ की छतरी बनी हुई। याद रखना, कोई पूछ लेगा कि दुर्गादास राठौड़ की छतरी कौन सी नदी किनारे बनी थी, सिप्रा नदी किनारे कहां पर बनी थी? उज्जैन। उज्जैन रहा करते थे बाद में अपने अंतिम समय के अंदर। तो ये बातें भी थोड़ी सी याद रखना कि बाबो कहे पुकार तीन जानू उनरो वेश, कारण की निज नैन सुन देखियो नी दुर्गे, जसवंत कहो जो कोई घर रखवाड़ो दुर्गड़ो, साची किदी सोए अच्छी आसकरण वत। उस आसकरण के बेटे ने जसवंत सिंह की उस बात को यथास्थिति रखा कि दिन जोधपुर की रक्षा वो करेगा, और उसने एक दिन तक रक्षा नहीं की थी, उसने जोधपुर की 30 साल तक लड़ाई की। औरंगजेब से कितना अच्छा सा वर्णन किया, वो ईश्वरदास जी जो नागर थे औरंगजेब के दरबार में थे, औरंगजेब उनको कहता है कि यार ये वाला तो काम करवाओ यार, मेरे पोते पोती तो वापस दिलवाओ। उसने दुर्गादास जी से बात की, दुर्गादास जी ने कहा मैं नहीं दूं, ये अपने बेटे को ही मारना चाहता था अकबर को, कल को पोते पोती को मार दे तो मैं अकबर को जा क्या जवाब दूंगा कि तू तेरे बच्चे मेरे पास छोड़ गया तेरे, मैंने मरवा दिए। ईश्वरदास जी ने कहा दुर्गादास जी आप तो मारवाड़ के आदमी और आप समझते हो, मूल से प्यारा ब्याज होता है, मूलधन जो प्रिंसिपल है उससे ज्यादा अच्छा इंटरेस्ट लगता है हमेशा, बेटे बेटी से भी ज्यादा अच्छे पोते पोती लगते हैं, इसलिए कुछ ही नहीं कहेगा, मैं गारंटी देता हूँ यार आप तो सौंप दो। और फाइनली ईश्वरदास जी के कहने पर दुर्गादास ने इन दोनों को वहां पर भेज दिया था। जब ये गए बच्चे वहां पर, तो औरंगजेब ने कहा कि
एक मौलवी साहब लाओ, दोनों बच्चों को पहले मुसलमान बनाओ, दोनों बच्चों को कुरान सिखाओ, दोनों बच्चों को नमाज सिखाओ। और कहते हैं सफीतुन्निसा कहती है, नहीं दादाजी, नमाज की कुरान की इनकी कोई जरूरत नहीं सीखने की, और हम मुसलमान ही हैं। औरंगजेब ने कहा, कैसे, हिंदू के घर में रह के हिंदू बन गए होंगे वहां पर, और नमाज और कुरान तुम्हारे कहां से आई? उनका एक मौलवी साहब दिल्ली आते थे, दिल्ली आके हमें सिखा के जाया करते थे। तो मौलवी साहब आते थे, कौन भेजता था मौलवी साहब, कहां से आते थे? दुर्गा बाबा, दुर्गा बाबा ने व्यवस्था करवाई थी हमारे लिए, नमाज की कुरान की सब सिखाया हुआ हमें। और औरंगजेब का गला भराया, औरंगजेब लगा यार दुश्मन हो तो ये हो, क्या नैतिक चरित्रवान आदमी है, कितने मॉरल हाई होंगे उस आदमी की, मॉरलिटी हाई होगी उस आदमी की, कि दुश्मन के बच्चे जो विधर्मी हैं, दुश्मन के बच्चे जो अलग रिलीजन के, उनके लिए भी उनकी रिलीजियस एजुकेशन की भी व्यवस्था उस आदमी के द्वारा करवाई गई। और वो यूं गलगला हो जाता है और पूछता है सफीतुन्निसा से, कैसा है दुर्गादास, मेरे बारे में क्या क्या कहता है, गालियां तो नहीं निकालता मुझे, तो तुम्हें तंग तो नहीं करता था वो? तो बच्ची वापस करती कि नहीं, जब से मैं थोड़ी बड़ी हुई समझ पकड़ने लगी थी, उसके बाद तो वो कभी मेरे आंखों के सामने नहीं आया, और हमेशा जब भी आता तो पर्दा तान के और मेरे से बातचीत किया करता था, कि मैंने उसको कभी आमने सामने भी नहीं देखा, उसने दुश्मन की बच्ची की तरफ कभी आंख उठा के भी नहीं देखा, कि किसी भी प्रकार की कोई बुरी नीयत की तो बहुत दूर की बात है, कि बाबो कहे पुकार तीन जानू उनरो वेश, कारण की निज नैन सुन देखियो नहीं दुर्गेश, कि मैं तो बाबा कह के पुकारती थी, उसकी वेशभूषा मुझे याद नहीं है, छोटे तक आदमी देखी थी मैं, कारण की निज नैन सी, कारण यह है कि मैंने अपनी आंखों से देखो नहीं दुर्गेश, मैंने उस दुर्गादास को अपनी आंखों से नहीं देखा। और औरंगजेब राजी होता है, औरंगजेब दुर्गादास के पास मैसेज करता है कि दुर्गा मैं तेरे से बेहद राजी हूं, तेरे को जो चाहिए जो सबसे अच्छा लगता है वो मांग, मैं तुझे जोधपुर का राजा बना दूंगा, तूने आज यार ये इतना बड़ा काम किया मेरे लिए। और दुर्गादास जी वापस उसको रिप्लाई करते हैं कि खग वालो जग वालो वालो मुरधर देश, वालो मतलब होता प्रिय, खग मतलब तलवार, खग वालो जग वालो वालो मुरधर देश, मुझे तलवार अच्छी लगती है, संसार अच्छा लगता है, मरुधर का देश अच्छा लगता है, खग वालो जग वालो वालो मुरधर देश, श्याम धर्म वालो सदार नित वालो नरेश, कि मुझे ये श्याम का धर्म, ये हिंदू धर्म अच्छा लगता है, पर इन सबसे अच्छा मुझे मेरा नरेश अजीत सिंह लगता है, इसलिए हे जहांपनाह आलमगीर औरंगजेब, यदि अजीत सिंह को जोधपुर का राज देना चाहता है तो स्वीकार है, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं। औरंगजेब ने कहा बस ये एक मुझे स्वीकार नहीं है, इसके अलावा तो कुछ भी मांग। एक किसी व्यक्ति का चरित्र देखिए आप, उस व्यक्ति का करेक्टर देखिए, कि किसी व्यक्ति के पास में, खुद के पास में नौ कोटि मारवाड़ का राजा बनने की तमाम संभावनाएं मौजूद थी, लेकिन उसके बावजूद वो उस नाबालिग बच्चे के प्रति अपनी सारी की सारी इच्छाएं रखता है, उस नाबालिग बच्चे के प्रति अपनी सारी की सारी भावनाएं रखता है। और वो कहता है कि नहीं, जब जसवंत सिंह जी मरे थे तब कह के गए थे कि जोधपुर का ध्यान तू रखना, कि जसवंत कहो जो ये कोई घर रखवाड़ो दुर्गड़ो, साची किदी सोए अच्छी आसकरण वत, उस आसकरण के बेटे ने जसवंत सिंह की उस बात को यथास्थिति रखा कि दिन जोधपुर की रक्षा वो करेगा, और उसने एक दिन तक रक्षा नहीं की थी, उसने जोधपुर की 30 साल तक लड़ाई की। औरंगजेब से कितने साल लड़ा वो? 30 साल। किस बात के लिए? केवल अजीत सिंह को राजा बनाने के लिए उसने 30 साल तक लड़ाई कर ली थी। मुझे याद है एक बार मेंस में सवाल था कि राठौड़ों का 30 वर्षीय संघर्ष कौन सा क्या था या क्या कहलाता है, तो राठौड़ों का 30 वर्षीय संघर्ष वो है जब दुर्गादास अजीत सिंह को राजा बनाने के लिए मुगलों से 30 साल तक लड़ गया था, मुगलों से 30 साल तक भिड़ गया। तो याद रखना भाई, वो बच्चे कौन थे जिनके टाइम में बात हुई थी, बुलंद अख्तर और सफीतुन्निसा थे, किसके कहने पर भेजे गए थे, ईश्वरदास नागर, उनकी किताब कौन सी है, फुतवाहात आलमगीर उनकी किताब है। ये 30 वर्षीय युद्ध आ गया आपका।